नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू एज बलिनो के बारे में। जानेंगे क्या कुछ खास हमें यहां पे कंपनी ऑफर कर देती है अपनी ऑल न्यू बलिनो 2022 में। करेंगे इसका एक डिटेल्ड वॉक अराउंड, स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइसिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो कंपनी यहां पे हमें बलिनो अपने चार वेरियंट्स में ऑफर कर देती है एज यूजुअल, सिग्मा, जटा, डेल्टा एंड अल्फा। जहाँ पे सिग्मा अपना बेस्ट रूम रहने वाला है, जहाँ पे हमें सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वहीं पे डेल्टा, जटा एंड अल्फा में हमें कंपनी EMT ऑप्शन भी शेयर कर देती है। बट दिस टाइम एक सटल चेंज किया गया है, अपना CVT जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है उसे चेंज करके कंपनी ने यहाँ पे EMT कर दिया है। एंड ये जो डिसीजन लिया गया है, नो डाउट प्राइजेस को कंसिडर करते हुए लिया गया है। अगर यहाँ पे CVT इंक्लूड किया गया होता तो जो इसके इनिशियल प्राइजेज हैं वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी ऐसी कुछ चीज़ यहाँ पे मैं कंपनी ऑफर कर देती है, लॉक एंड अनलॉक का फीचर है, यहाँ पे मैं सुजुकी का लोगो भी देखने को मिल जाता। नो डाउट ऐसी चीज़ आप पहले भी देख चुके होंगे, ऐसी ही सिमिलर चीज़ कंपनी अपनी और भी वेरिएंट्स में हमें ऑफर करती है एंड और भी कार्स में कंपनी शेयर करती है। बाकी यहाँ पे मैं काफ़ी फीचर लोडेड की देखने को मिल जाती है अपनी। लॉक एंड अनलॉक करने पर जो इसके ORVM है वो भी फोल्ड होते हैं एंड जो हॉर्न बीप है वो भी करता है। बाकी फ्रंट में अब जो इसका फेस लिफ्ट है वो कर दिया गया है, सेंटर में बड़ा सा सुजुकी का लोगो, सुजुकी के लोगो के नीचे यहाँ पे हमें 360 कैमरा भी कंपनी ऑफर कर देती है, जो कि इसका टॉप एंड ट्रिम है अल्फा वेरिएंट, वहाँ पे हमें 360 व्यू देखने को मिल जाता है। एंड भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमें फर्स्ट इन सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं एंड कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो हमें बेस्ट इन सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं। क्रोम गार्निशिंग इसके फ्रंट लुक को ओवरऑल इन्हांस कर देती है। अभी जो इसकी फ्रंट ग्रिल है वो भी यहाँ पे कंपनी ने पूरी तरीके से चेंज कर दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यू पैटर्न इन्हांस किया गया है, एक न्यू पैटर्न इंक्लूड किया गया है जो कि इसके ओवरऑल लुक्स को इन्हांस कर देता है। यहाँ पर हमें बेस ट्रिम से ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। अंतर सिर्फ इतना है, जो अपना बेस ट्रिम है वहाँ पे कंपनी में हेलोजन प्रोजेक्टर ऑफर करती है, वहीं पे जो अपने टॉप एंड ट्रिम है वहाँ पे कंपनी हमें LED प्रोजेक्टर ऑफर कर देती है। ये जो प्रोजेक्टर है ये अपना बाई फंक्शनल रहने वाला है, मतलब अपनी जो लो बीम है एंड हाई बीम है दोनों इसी में इंटीग्रेटेड है। एंड उसी के साथ साथ एक बहुत प्यारा टचअप यहाँ पे ऐड किया गया, जो इसके DRLs हैं वो यहाँ पे ट्राई DRL है, मतलब तीन अलग अलग DRL है। एंड जो लुक है इसका वो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। नीचे की साइड अपनी क्रोम गार्निशिंग के साथ हमें जो फॉग लैंप है वो अब यहाँ पे कंपनी LED ऑफर कर रही है। मूविंग टुवर्ड द साइड्स, सो कट्स एंड क्रीजेस यहाँ पे काफ़ी अच्छे कर दिए गए हैं। पहले जो कार है वो थोड़ी सी राउंड टाइप में लगा करती थी, बट अभी जो इसके ओवरऑल लुक्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी स्पोर्टी कर दिए गए हैं। साइड में जब आप आएंगे ना तो एक बड़ा चेंज आपको और मिलने वाला है, जो इसके अलॉयज़ हैं, अभी अलॉयज़ को भी चेंज कर दिया गया है। 16 इंचज अलॉय हैं एंड इसी वेरियंट में कंपनी ऑफर कर रही है। इसका जो ओवरऑल लुक है ना बहुत ज़्यादा प्यारा है एंड जो पैटर्न है वो भी यहाँ पे कंपनी ने हमें काफ़ी अच्छा शेयर किया। नो डाउट डायमंड कट अलॉय व्हील्स रहने वाले हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें, 195/55 R16 की यहाँ पे हमें टायर प्रोफाइल कंपनी ऑफर कर रही है। मूविंग टुवर्ड दी ORVMs, टर्न सिग्नल इंडिकेटर इसी के ऊपर प्लेस्ड है, बॉडी कलर्ड ORVM, नीचे की तरफ हमें मैट फिनिश देखने को मिलता है एंड 360 डिग्री कैमरा होने की वजह से यहाँ पे भी हमें एक कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ओवरऑल साइड की लुक आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्रोम विंडो गार्निशिंग देखने को मिल जाती है, स्टार्ट होती है इधर से एंड ये जो पीछे क्वार्टर ग्लास है यहाँ तक जा रही है। क्रोम आउट डोर हैंडल भी यहाँ पे कंपनी शेयर कर देती है। बाकी रूफ रेल्स का यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे हमें एंटीना भी कंपनी शेयर कर देती है। ऑल्सो एक और चीज़, यहाँ पे जो अपना डोर हैंडल है पैसेंजर साइड का, वहाँ पे भी कंपनी रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर कर देती है, मीन्स कीलेस एंट्री का यहाँ पे भी हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल साइड की प्रोफाइल कुछ इस टाइप की रही। अभी चलते हैं पीछे की साइड। उससे पहले यहाँ पे हमें 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। जब कार अनलॉक होगी उसके बाद भी आप इसे बाहर से ओपन नहीं कर सकते, इसे आपको अंदर से ही ओपन करना पड़ेगा। बाकी रियर में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे चेंजेस कर दिए गए हैं। ये जो स्ट्रिप है ये पिछली वाली बलेनो से ही मिलती जुलती है, कैमरा प्लेसमेंट वहीं पे ही है। ये रहा अपना वाइपर, डिफॉगर, वॉशर एंड ये रही अपनी हाई माउंट स्टॉप लाइट। बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे एंटीना का लुक आने वाला है। पीछे की साइड जो स्पॉयलर है वो भी यहाँ पे कंपनी हमें शेयर कर रही है, नो डाउट काफ़ी प्यारा लग रहा है। बाकी ऐसी कुछ यहाँ पे नेक्सा का स्टिकर लगा हुआ है। सी शेप्ड यहाँ पे हमें जो LED टेल लाइट्स हैं वो बहुत प्यारी लगने वाली हैं, नाइट के टाइम पे ये काफ़ी अच्छी लगती हैं। ये फंक्शनल पोर्शन है एंड ये वाला डमी पोर्शन है, ये एज अ रिफ्लेक्टर वर्क करने वाला है। बाकी सेंटर में आ जाता है सुजुकी का लोगो, न्यू शेप्ड बलिनो लोगो। बाकी ये रहे अपने रिफ्लेक्टर्स। रिवर्स में जो है, मतलब पीछे की साइड है, यहाँ पर हमें चार पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। बाकी रियर साइड से आप पूरी प्रोफाइल एक बार देख सकते हैं, काफ़ी प्यारी लग रही है। एग्जॉस्ट टिप आपको पीछे से इजीली विजिबल रहने वाली है। बाकी ऐसी रही कुछ इधर साइड की प्रोफाइल।
दिस अगेन होल इज क्लियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी सिमिलर उधरी की तरफ की तरह है। बाकी नो डाउट जो क्रोम गार्निशिंग है इसकी ओवरऑल लुक्स को इन्हेंस कर देती है। अभी चलते हैं कार के अंदर एंड देखते हैं वहाँ पे मैं क्या कुछ खास फीचर्स कंपनी ऑफर कर देती है। सो ये रहा ड्राइवर साइड डोर, यहाँ पे लेदर का यूज़ किया गया है एंड दिस वन इज़ दी ऑल्सो लेदर टच, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आ गए अपने विंडो कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल इधर रहे, ये रहे सारे के सारे विंडो कंट्रोल्स, ये रही अपनी डोर पॉकेट्स। ऑल्सो यहाँ पे मैं स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, इन एंड आउट होने के लिए कुछ इतना आपको यहाँ पे स्पेसिंग देखने को मिल जाती है जो कि नो डाउट काफ़ी अच्छी रहने वाली है। एंड दिस टाइम यहाँ पे जो कंपनी क्लेम कर रही है 50 किलो से लेके कुछ सर्टेन नंबर्स तक जो इसका वेट है वो भी इन्हेंस किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो हाई स्ट्रेंथ स्टील है उसका यूजेस बढ़ा दिया गया है एंड जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है उसे इन्हेंस किया गया है। एंड ये जो डोर ओपन करेंगे ना तो हमें पता भी चलता है, अभी इसका जो डोर क्लोजिंग साउंड है वो भी यहाँ पे इन्हेंस कर दिया गया है। बाकी ऐसे क्रोम्ड आउट यहाँ पे हमें कुछ डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये रहे अपने यहाँ पे स्पेशल कंट्रोल्स। अब ये स्पेशल कंट्रोल्स क्यों हैं, देखो यहाँ पे हमें हुड मिलता है, व्हाट स्टैंड्स फॉर HUD, हेड्स अप डिस्प्ले। बाकी यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले के कंट्रोल रहने वाले हैं। बाकी अपना ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ, ये जो व्यू बटन है यहाँ से इसका जो 360 डिग्री कैमरा है वो ऑन हो जाता है। ये रहे अपने हेडलाइट के कंट्रोल्स, यहाँ पे अपना ऑटो स्टार्ट स्टॉप का भी हमें फंक्शन देखने को मिल जाता है। ओवरऑल ऐसे कुछ यहाँ पे हमें AC विंड्स देखने को मिल रहे हैं, ब्लोअर के कंट्रोल रहे इधर। बाकी ओवरऑल जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस टाइप का यहाँ पे कंपनी शेयर कर रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा हार्ड है एंड बहुत हार्ड है, क्योंकि ये लुक वाइज काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें कंपनी शेयर कर रही है। बाकी ये रहा अपना कुछ ऐसा हमें स्टेयरिंग कंपनी शेयर कर रही है एंड नो डाउट इससे आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे बिकॉज ऐसा ही सिमिलर हमें स्विफ्ट में भी देखने को मिल रहा है। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कि एक सिल्वर रिंग के साथ आ रहे हैं, जिसके ओवरऑल लुक्स को काफ़ी इन्हेंस कर देता है ये भी। बाकी स्टेयरिंग को आप अपना टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इसके कंट्रोल्स आ जाते हैं। बाकी स्टेयरिंग के ऊपर इधर हमें क्रूज कंट्रोल ऑफर कर रही है कंपनी, इधर रहे अपने इन्फोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल, इधर आ जाते हैं अपने कॉल कंट्रोल्स, सेंटर में हॉर्न एंड सुजुकी लोगो। ये रही अपनी सिमिलर पहले जैसी MID जहाँ पे कोई सटल चेंज नहीं किया गया है, सेंटर में है अपनी MID। ये रहा अपना स्पीडोमीटर, इधर रहा अपना टैकोमीटर, यहाँ पे जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी शेयर कर देती है, इसे कंट्रोल आप इधर से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं डिजिटल क्लॉक भी देखने को मिल जाती है एंड बाकी कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले पे आती है, वो अभी मैं आपको यहाँ पे ओपन करके नहीं दिखा सकता क्योंकि शोरूम के अंदर कार खड़ी हुई है एंड एज पर दी अथॉरिटीज़ हम इसे स्टार्ट नहीं कर सकते। बाकी आप ओवरऑल लुक्स देख सकते हैं काफ़ी प्यारी यहाँ पे कंपनी शेयर कर रही है। सेंटर में अब हमें यहाँ पे एक न्यू टाइप का इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल रहा है, 9 inches का इन्फोटेनमेंट सिस्टम है जहाँ पे हमें कंपनी बहुत सारे फीचर्स ऑफर कर रही है। नो डाउट ये काफ़ी ज़्यादा फ्लूड हो चुका है, उसी के साथ जो जो इसका म्यूज़िक सिस्टम है वो भी यहाँ पे हमें कंपनी काफ़ी अच्छा ऑफर कर रही है। यहाँ पे नीचे हमें इसके टच कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें कंपनी ने वेस्टर्न सेगमेंट की हैं, कुछ चीज़ें एड ऑन भी की हैं, वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले का तो सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, एलेक्सा जो अमेजॉन एलेक्सा है उसका भी हमें यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जहाँ पे हमें स्मार्ट प्ले प्रो प्लस की भी टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। ऑल्सो अब यहाँ पे कंपनी हमें सुजुकी कनेक्ट भी ऑफर कर रही है। अगर आप इसे आसान भाषा में समझना चाहें तो जैसे हुंडई का ब्लू लिंक आता है वैसे ही कंपनी यहाँ पे हमें जो सुजुकी कनेक्ट है वो यहाँ पे ऑफर कर रही है। बाकी ये रहा अपना ऑटोमेटिक डिमिंग IRVM, यहाँ पे आ जाते हैं अपने रीडिंग लाइट के कंट्रोल्स। बाकी ये रहे अपने माइक, इधर आ जाता है सन वाइजर, इधर यहाँ पे वैनिटी मिरर है जहाँ पे हमें लाइट देखने को मिल रही है, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, वहाँ पे भी कंपनी हमें इस वेरिएंट में लाइट ऑफर कर देती है जो कि एक काफ़ी अच्छा जेस्चर बन जाता है। बाकी ये रहे अपने ग्रैब हैंडल्स एंड अभी इस प्रोफाइल पे आए, सो यहाँ पे हमें AC कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट को सपोर्ट करते हैं एंड बाकी आप इसे यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये पूरे के पूरे यहाँ पे हमें जो बटन्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, नो डाउट ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं बिकॉज जो इसका ओवरऑल लुक है ना वो बहुत अच्छा कर दिया गया है। नीचे आ जाता है अपना USB पोर्ट्स, इधर हमें 12V का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, 2 कप होल्डर्स। ये आ गया अपना 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, अभी जो हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं वो रहने वाला है अपना 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन इस वेरिएंट में देखने को मिल जाता है बिकॉज ये रहने वाला है टॉप ऑफ द ट्रिम एंड जो इसकी शिफ्टिंग है नो डाउट वो हमें यहाँ पे काफ़ी प्यारी देखने को मिल जाती है। एंड ऐसे कुछ इधर के लुक रहे जो कि यहाँ पे एक ग्लिटरी ग्रेश आप इसे मान सकते हैं, ओवरऑल लुक को इन्हेंस कर देता है।
बाकी सेंटर में रहा अपना हैजार्ड का बटन, ऐसे कुछ यहाँ पे हमें एसी विंड्स भी कंपनी ऑफर कर देती है। बाकी बात करें अगर ग्लव बॉक्स की, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हमें ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि नो डाउट काफी प्यारा है। यानी जो ओवरऑल टचअप है ना, ये भी हमें यहाँ पे काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अभी जो सीट्स रहने वाली हैं वो रहने वाली अपनी फैब्रिक एंड बहुत अच्छी हैं। इनका जो कंफर्ट है वो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा कंपनी ऑफर कर देती है। बाकी जितने भी यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हैं वो अपने रहने वाले हैं मैनुअल, सो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट्स इस प्राइस रेंज में तो मेरे ख्याल से नहीं आते हैं। बाकी ये रहे अपने यहाँ पे हैंड ब्रेक, यहाँ पे हमें सेंटर में आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है जो कि फ्लेक्सिबल है, मतलब आप इसे मूव कर सकते हैं। एंड आर्मरेस्ट के नीचे भी यहाँ पे कुछ स्पेसिंग कंपनी हमें ऑफर कर देती है। सो ऐसा कुछ यहाँ पे हमें फ्रंट का लुक देखने को मिल जाता है अपनी ऑल न्यू बलिनो 2022 में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने जैसा बताया कि उसके सीट कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे हमें हाइट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है जो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ बन जाती है इस प्राइस रेंज में। बाकी बात करें अगर हम इसके जो रियर सीट्स हैं उसके बारे में, सो वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। सो ओवरऑल लुक्स जो है ना वो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे जो ऑल न्यू बलिनो है वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो ये रहा अपना रियर साइड का डोर। सो रियर साइड के डोर में भी यहाँ पे रहने वाली है पावर विंडो। पावर विंडो यहाँ से हमें जो है बेस वेरिएंट में ही कंपनी ऑफर कर देती है, मतलब जो चारों पावर विंडो हैं वो यहाँ पे हमें बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाती हैं। बाकी ये रही अपनी सेकंड रो, आप देख सकते हैं फैब्रिक सीट्स एंड जो कुशनिंग है यहाँ पे हमें नो डाउट काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। 60 और 40 में आप इसे स्प्लिट भी कर सकते हैं, आप इसे ईजिली फोल्ड कर सकते हैं। दो हेडरेस्ट दोनों के दोनों अपने रहने वाले हैं एडजस्टेबल। पीछे रही अपनी पार्शल ट्रे एंड ये जो स्पेसिंग है ये भी यहाँ पे हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। अभी कार के अंदर चलते हैं, आपको बताते हैं क्या कुछ खास हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमें स्पेसिंग देखने को मिल जाती है एंड बहुत अच्छी यहाँ पे हमें स्पेसिंग कंपनी ऑफर कर रही है। सो स्पेसिंग का तो मैंने आपको बता दिया, बट पीछे के पैसेंजर के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो रहती है अपनी एसी। सो यहाँ पर हमें अभी एसी भी देखने को मिल रहा है, एसी के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नीचे की साइड में हमें यहाँ पे दो चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रहे हैं। एक अच्छा सा जस्टर यहाँ पे कंपनी ने ये किया है, एक दिया है यूएसबी एंड एक दिया है टाइप सी। बाकी नीचे फोन रखने के लिए भी आपको थोड़ी सी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल जो लुक्स हैं वो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाते हैं। पीछे जो बैठे हुए लोग हैं ना वो कुछ इस टाइप से फ्रंट डैशबोर्ड को देखने वाले हैं। बाकी यहाँ पे सेंटर के लिए भी एक हमें रीडिंग लाइट दी गई है जो कि हैलोजन में रहने वाली है एंड इसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी पीछे दो हेडरेस्ट थे वो मैंने आपको बता ही दिया। अभी चलते हैं बूट की तरफ एंड देखते हैं कैसा कुछ बूट स्पेस हमें यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रही है। सो कीज़ तो अभी अंदर हैं, हम बूट को ईजिली यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। सो ये रहा अपना बूट स्पेस। पार्शल ट्रे में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी ये जो लोडिंग लिड है वो कुछ ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो बूट स्पेस है काफ़ी ज़्यादा है, 318 लीटर का यहाँ पे हमें बूट स्पेस कंपनी ऑफर कर देती है। बाकी अगर आपको ज़्यादा नीड है तो आप इसे 60 और 40 में स्प्लिट भी कर सकते हैं, आप इसे इजिली फोल्ड करके जो इसका बूट स्पेस है उसे यूज़ कर लेंगे। बाकी स्पेयर व्हील इसके नीचे रहने वाला है जो कि अपना 185x55 R15 इंचेस का यहाँ पे हमें स्टील रिम के साथ कंपनी ऑफर कर रही है। ओवरऑल जो बूट स्पेस है वो भी यहाँ पे हमें काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाता है। अभी ये तो हो गया बूट, बट ये जो खूबसूरत सी कार है इसे चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है वो रहने वाली है अपना इंजन। सो अभी इंजन के बारे में बात कर ले मैं, कैसा कुछ यहाँ पे इंजन कंपनी ऑफर कर रही है। सो इंजन वे मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ। अभी सारा झमेला यहाँ से हटा के यहाँ पे ला दिया गया है अपने बोनट को ओपन करने के लिए। इधर एक लिड दी गई है, बाकी अपने जो फ्यूल लिड है उसे ओपन करने के लिए एक अलग से लिड यहाँ पे दी गई है। सो अभी कर लेते हैं बोनट को ओपन। सो ये रहा अपना हुड। अभी जरा ये फील करते हैं जो वेट इंक्रीज किया गया है हुड के ऊपर उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है। सो यस, नो डाउट ये जो हुड का वेट है अब इंक्रीज हो गया है एंड ये जो पिछली वाली बलेनो है उससे थोड़ा सा हमें यहाँ पे हैवी देखने को मिलता है। बाकी इंजन वे यहाँ पे काफ़ी क्लीन देखने को मिल जाता है। अब ऐसा क्यों है देखो मैं बताता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं ये इंजन वे इतना क्लीन क्यों है। क्लीन होने का रीज़न यह है, फिलहाल तो कंपनी ने यहाँ पे डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगर इन फ्यूचर यहाँ पे डीजल इंजन आएगा तो डायरेक्टली यहाँ पे डीजल इंजन रख दिया जाएगा एंड अपनी कार हो जाएगी रेडी टू यूज़ वाली। बाकी यहाँ पर हमें 1.2 लीटर्स का डुअल जेट K12 सीरीज़ का इंजन देखने को मिलता है, पेट्रोल इंजन विच प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 90 bhp पावर एंड 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सो पावर एंड टॉर्क वाइज ऑन पेपर हो सकता है आपको थोड़ा सा कम लगे, बट जब आप इसे रियल लाइफ में यूज़ करेंगे एंड इसे चलाएंगे ना तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड बाकी यहाँ पे मैं जो अपना 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है उसके साथ हमें 22.35 km/h तक का माइलेज कंपनी ऑफर कर रही है। एंड अगर बात करें हम इसका जो AMT वाला वेरियंट है, मतलब अपना 5 स्पीड का AMT गियर बॉक्स, वहाँ पे कंपनी अप टू 22.94 किलोमीटर्स पर लीटर तक का माइलेज क्लेम कर रही है।
सो माइलेज वाइज ये काफ़ी डिसेंट बन जाती है। एंड बाकी जो माइलेज है ना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मारुति की कार को आप जितना प्यार से चलाएंगे उतना अच्छा वो माइलेज आपको निकाल के देगी। बाकी एक और भी यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छा जेस्चर देखने को मिला है, बेस वेरिएंट से ही जो नीचे की तरफ गार्ड है ना वो कंपनी ऑफर कर देती है, तो ये एक यहाँ पे काफ़ी बढ़िया चीज़ बन गई है। ये थोड़े से इशू पहले होते थे बट अभी इस इशू को यहाँ पे बिल्कुल रिजॉल्व कर दिया गया है। एंड बाकी यहाँ पे अभी जब नीचे से जो प्रोटेक्शन है वो इसकी जो प्रोटेक्शन है रेडिएटर वगैरह की वो काफ़ी इंक्रीज कर देती है, जो अपना इंजन है वो भी यहाँ पे हमें काफ़ी सिक्योर मिलने वाला है। बाकी ऐसा रहा कुछ इसका इंजन, बाकी इधर हमें आइसोलेशन भी देखने को मिल जाती है, तो केबिन तक तो नॉइस पहुँचने की कोई बात ही नहीं बनती। अभी इसे क्लोज करते हैं। एंड इतनी खूबसूरत सी कार है, अब इस कार को खड़ी करने के लिए आपको जगह भी चाहिए होगी, एंड जगह जानने के लिए आपको पता होने चाहिए इसके डायमेंशन। अभी मैं जरा आपको इसके डायमेंशन भी बता देता हूँ। ओवरऑल जो कार की लेंथ रहने वाली है वो 3990 mm के आसपास है, जो कि नो डाउट काफ़ी अच्छी है। एंड जो साइड से लुक है इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी इंक्रीज कर देती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओवरऑल जो हाइट है यहाँ पे 1500 mm की हाइट देखने को मिल जाती है, जो कि नो डाउट काफ़ी सही है। अभी जो डिज़ाइन है ना वो यहाँ पे काफ़ी स्लीक सा कर दिया गया है, काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन होने की वजह से जो इसके ओवरऑल लुक्स हैं, जो रोड प्रेजेंस है वो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बात करें अगर हम इसके विड्थ की, तो यहाँ पे हमें 1745 mm की विड्थ देखने को मिल जाती है। फ्रंट से जो इसके लुक है ना वो यहाँ पे और भी अच्छे होने वाले हैं। अभी ग्राउंड क्लियरेंस देखो, ऑन पेपर अभी उतनी वेल डिफाइंड नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ अबाउट 170 mm। सो जो अपनी टिपिकल रोड्स है ना वहाँ पे कोई भी इशू नहीं आने वाला है। एंड जो कार का रहने वाला है व्हील बेस वो यहाँ पे हमें 2520 mm का कंपनी ऑफर कर देती है, जो कि काफ़ी सही रहने वाला है। सो ऐसी कुछ ओवरऑल यहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, डायमेंशन इंजन एंड काफ़ी आउटस्टैंडिंग देखने को मिलते हैं। एंड एक प्रीमियम हैचबैक में जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो सारी की सारी चीज़ें अब कंपनी ने यहाँ पे ऐड ऑन कर दी है। अभी कंपनी क्लेम्स की इसकी जो सेफ्टी है वो भी इन्हेंस कर दी गई है, सो इसी वजह से अब यहाँ पे हमें मारुति की तरफ से पहली कार बन जाती है जो कि 6 एयरबैग ऑफर कर रही है, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट एंड ऑटोमेटिक में हमें हिल होल्ड असिस्टेंट भी देखने को मिल जाता है। एंड ऐसे कुछ फीचर्स यहाँ पे हमें कंपनी ऑफर कर देती है जो कि नो डाउट काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। अभी बात करूँ मैं अपनी, तो मेरे ऊपर इसने काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है, एंड अपनी जो YouTube फैमिली है ना वो बहुत जल्द इस कार को मेरे घर में भी देखने वाली है। सो बाकी ओवरऑल लुक्स कुछ ऐसे रहे कार के, नो डाउट यहाँ पे जो फेस लिफ्ट है उसके बाद काफ़ी अच्छे लुक्स कर दिए गए हैं, एंड ओवरऑल जो कार की बिल्ट है उसे भी इंक्रीज कर दिया गया है। बाकी जो इसके प्राइजेस हैं वो भी यहाँ पर हमें काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाते हैं, पिछली वाली बलेनो से थोड़े से प्राइजेस यहाँ पर हाई किए गए हैं, एंड नो डाउट ये काफ़ी अच्छी लगने वाली है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिए हैं, एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।